दोस्तों रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों रेलवे की तरफ से जो फीस रिफंड का नोटिस है वो कल जारी हो चुका था और आज दोस्तों उसका जो है लिंक एक्टिव हो चुका है, लेकिन बहुत सारे छात्रों को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। तो वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है और मैं आपको बताऊंगा कि फीस रिफंड किन किन को मिलेगा, किन किन को नहीं मिलेगा और ये जो प्रॉब्लम हो रही है वो क्यों हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे मैंने लिंक खोल रखा है जिससे आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट कर सकते हैं। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि बैंक अकाउंट डिटेल किसको अपडेट करनी है। तो ध्यान रखना है ऐसे कैंडिडेट को अपडेट करनी है जिनका फीस रिफंड नहीं आया है। अब आप सोचेंगे सर हमको क्या पता कि हमारा फीस रिफंड आया है या नहीं आया है। तो देखिए बहुत सारे कैंडिडेट को रेलवे की तरफ से मैसेज भेजा जा रहा है और वो मैसेज कैसा है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए इस प्रकार का मैसेज अगर आपको रेलवे की तरफ से प्राप्त हो रहा है, यहां पर आप देखेंगे जहां पर ये लिखा है कि ए लिंक फॉर अपडेटिंग ऑफ बैंक डिटेल हैज बीन गिवन टू आरआरबी वेबसाइट फॉर कैंडिडेट्स ऑफ सीएनआरआरसी 01/2019 एज पर लास्ट एज लास्ट चांस। यानी कि एक लिंक यहां पर जो है आरआरबी वेबसाइट के ऊपर दिया गया है जहां पर आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो CNRRC 01/2019 यानी कि जो ग्रुप डी भर्ती 2019 है उसके कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना जो है फीस रिफंड नहीं लिया था। और यहां पर बोल रखा है प्लीज विजिट आरआरबी वेबसाइट, यानी कि आरआरबी की वेबसाइट के ऊपर विजिट कीजिए। तो यहां पर दोस्तों जिन कैंडिडेट को ये मैसेज आया है सिर्फ उनको ही दोस्तों यहां पर जो है आप लिंक अपडेट कर सकते हैं, यानी कि जिन्होंने पहले फीस रिफंड नहीं ली है उनको ये मैसेज भी प्राप्त हो रहा है तो वही दोस्तों कैंडिडेट यहां पर अपडेट कर सकेंगे। अगर जिनका फीस रिफंड ऑलरेडी आ चुका है जब वो वेबसाइट के ऊपर जाएंगे अपनी डिटेल यहां पर डालेंगे तो वहां पर उनको एक एरर शो होगा कि आपका रोल नंबर गलत है। तो यहां पर ये चीज उनको ही शो हो रही है जिनका फीस रिफंड ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो इसी को ध्यान रखें। बहुत सारे कमेंट आए थे पिछले वीडियो में जिसमें बहुत सारे पूछ रहे थे सर हमारा तो ये गलत दिखा रहा है। इसका मतलब है कि आपका फीस रिफंड ऑलरेडी आ चुका है इसलिए आपको ऑप्शन नहीं मिला है। अब यहां पर बात कर लेते हैं ऐसे कैंडिडेट जिनका फीस रिफंड नहीं आया है और वो किस प्रकार से अपडेट करेंगे। तो देखिए वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है और इस वेबसाइट के ऊपर आप आएंगे तो यहां पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और ये सिक्योरिटी कोड यहां पर डालना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से ओपन होगा, इस प्रकार का ओपन होगा आपके सामने जहां पर आपको इस प्रकार के कॉलम यहां पर मांगे जाएंगे जहां पर आपसे ये आपकी डिटेल ऑटोमेटिक शो हो जाएंगी। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर देखिए आपका नाम जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, यहां पर आपका कम्युनिटी आ जाएगा ऑटोमेटिक, आपका जो पैसा है वो दिखाएगा कि कितने पैसे आपसे लिए थे और कितना रिफंड आपका होने वाला है। लेकिन ये रिफंड होगा उसमें कुछ टैक्स भी कट जाएगा, 10-15 रुपए के आसपास आपका टैक्स कट जाएगा। और यहां पर आपका नीचे जो है बैंक अकाउंट डिटेल आपसे मांगी जा रही है जिनको आपको फिल करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको यहां पर पूरी फिल करनी है। ये यहां पर आपका अकाउंट नंबर डालना है, आईएफएससी कोड डालना है और बैंक का अकाउंट यहां पर नंबर डालना है और ये आई कंफर्म दैट अबो बैंक डिटेल आर करेक्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे तो एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को वेरीफाई करके आपकी डिटेल यहां पर अपडेट हो जाएंगी। बस इतना सा काम करना है दोस्तों। अब यहां पर देखिए अकाउंट है खुद का ही लगाइए, आप सबके पास खुद का बैंक अकाउंट डिटेल होगा तो खुद का ही बैंक डिटेल आप लगाइए, आपका फीस रिफंड हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट बहुत सारे कमेंट कर रहे थे सर हमारा तो लॉगिन ही नहीं हो रहा है, तो लॉगिन उनका नहीं हो रहा है जिनकी फीस ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है, सिर्फ उनका ही लॉगिन होगा जिनका नहीं आया है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट है कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।